जी, अभी मेरी क्लास से बाद में कॉल करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कल की हमारी बातचीत, कल के हमारा पढ़ाया गया टॉपिक आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आप सब लोग उसे पहले से जानते भी थे। देखो मेरे बच्चों, एक दो बातों से मैं अपनी आज की क्लास शुरू कर रहा हूं। देखो, बहुत सारी चीजें हैं मुझे आपको कहने के लिए। मैं ये चाहता हूं कि हमारे आपके बीच का रिश्ता उसी तरीके का हो जैसे द्रोणाचार्य और अर्जुन का था, जैसे आचरेकर और सचिन तेंदुलकर का है। ये वो रिश्ते हैं जिन्होंने गुरु और शिष्य की परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया है। ऐसी बहुत सारी बातों से मैं अपनी चीजों को रखूंगा और आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। मेरे बच्चों, जब हम और आप मिलते हैं, जब कभी भी द्रोणाचार्य और अर्जुन मिले हैं या आचरेकर और तेंदुलकर मिलते हैं, तो इतिहास लिखा जाता है। इट क्रिएट्स अ हिस्ट्री, इट क्रिएट्स अ हिस्ट्री। पोटेंशियल दोनों में हो, अर्जुन में भी पोटेंशियल है और द्रोणाचार्य में भी पोटेंशियल है। व्हेन वे वर्क टुगेदर, उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मिलता है। और जब आचरेकर और तेंदुलकर साथ काम करते हैं तो क्रिकेट के दुनिया का भगवान बना होता है। इसीलिए ये एक बच्चे की और एक शिक्षक की कहानी नहीं है, एक टीचर की कहानी नहीं है, ये हर स्टूडेंट और हर टीचर की कहानी है। MS धोनी और उनके टीचर की कहानी ले लीजिए, हर चीज के पीछे ये बहुत जरूरी है। आज मैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वापिस से एक सेकेंड पॉइंट पे शुरू कर रहा हूं, एंड दैट इज योर सेक्शन फॉर्मूला। आज हम सेक्शन फॉर्मूला पे बात करेंगे और जब हम सब कुछ वर्कआउट कर लेंगे उसके बाद, सेक्शन फॉर्मूले के बाद मैं आपको स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स बताऊंगा। स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स के बाद फिर हम लोग सेंट्रॉइड, ट्रायंगल, मतलब सेंटर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। फिर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले और इन सब के एप्लीकेशन को लेकर के किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ट्रायंगल, डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल, हमारे डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रिपोजियम, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज का हमारा मेन टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले को वैसे तो ब्रॉडली वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, किया जाता है इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। मैं इसको तीन पार्ट में वर्कआउट करूंगा। ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात को। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ऑब्लिक लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन। हेयर वी हैव द पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन एंड क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, और इनको किसी रेशो एम इज टू वन एन में डिवाइड करने वाले पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इफ यू वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर, इट कम्स आउट एज एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। प्लीज, यहां पर ये एन है, दिस इज योर एम एक्स टू, एम जो है इधर जाएगा और एन जो है वो इधर जाएगा। सो दिस इज योर फॉर्मेटिंग सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब बात ये करते हैं मेरे बच्चों, ये आया कैसे है। हम लोग ये बात करेंगे
कि ये चीज आई कैसे है, वी विल गो फॉर द प्रूफ प्लीज, वी विल गो फॉर द प्रूफ। देखें मेरे बच्चों प्लीज, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल्दो ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ, बट मेरा मानना है कि प्रूफ इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे कि हम और आप इन चीजों को सीख पाए। प्लीज, ये है कोई पॉइंट मेरा P विच इज X1 कॉमा Y1, यह है पॉइंट मेरा Q विच इज योर X2 कॉमा Y2। लेट R इज एनी पॉइंट विच डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशियो M:N, मींस व्हाट वी वांट टू से इट, दैट इज PR अपॉन RQ, दिस इज योर M/N। क्या कहना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू से, दैट इज M/N, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M/N, दैट इज द PR अपॉन RQ, ये है मेरा M/N। नाउ मेक द ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाया आप, दिस इज पॉइंट M, दिस इज पॉइंट, लेट इट बी A, दिस इज द पॉइंट, लेट इट बी B, लेट्स राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट्स। कल हमने यही तो सीखा था, इसीलिए मैं एक एक चीज को सिखा रहा था। देखें मेरे बच्चों, लाइन QM इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसलिए अगर मेरे पास वी हैव गिवन टू द पॉइंट एब्सिसा ऑफ पॉइंट Q मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट अगर X2 है तो A का भी एक्स कोऑर्डिनेट X2 आएगा और M का भी एक्स कोऑर्डिनेट X2 आएगा। अब व्हाट अबाउट दिस पॉइंट R इज, लेट इट बी X कॉमा Y। अब इस R से अगर मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ किया है, यहां पैरेलल टू एक्स एक्सिस में एक जगह अगर Y है तो दूसरी जगह भी Y ही होगा, और यहां पर अगर Y1 है, P में Y1 है तो PM इज अगेन पैरेलल टू द X एक्सिस, PM इज पैरेलल टू X एक्सिस, दैट्स व्हाई दिस इज Y1, दिस इज Y1। अब अगर मैं B पॉइंट पे बात करता हूं तो B पॉइंट पर मैं R से जब जाता हूं तो ये आर बी जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, मींस अगर आर का कोऑर्डिनेट एक्स है तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट भी एक्स होगा और बी का वाई कोऑर्डिनेट Y1 होगा। माय डियर स्टूडेंट, ये बात हमने ऑलरेडी कर लिया था, बिल्कुल सुधीर जी हम बिल्कुल पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे, एंड अंकित सर डाउट के लिए मैं बिल्कुल आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, आप निश्चिंत रहें। और उसके लिए क्लास डेली है विशाल, आप निश्चिंत होकर के बात करें। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चों प्लीज, देखो अगर ये एंगल लाइन का ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, एंड दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। नाउ व्हाट अबाउट द ट्रायंगल आर बी पी एंड ट्रायंगल क्यू ए आर, दे आर सिमिलर ट्रायंगल, they are similar triangle, और अगर ये दोनों similar triangle हैं तो similar triangle की क्या property होती है, singular
ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? बिल्कुल सही, आप लोग लिख सकते हैं व्हाट्सएप पे, मतलब लाइव चैट में आप मुझे दीजिए। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है साइड्स का रेशो सेम होता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। दिस इज योर पी आर अपॉन पी बी, पी आर अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन आर ए, आर क्यू अपॉन आर ए। अब अगर मैं पी आर लेंथ पे बात करूं, देखो ध्यान देना मेरे बच्चों, इसी को हम मैनेज कर रहे हैं, पी आर अपॉन आर क्यू, दिस इज योर पी बी अपॉन आर ए, पी बी अपॉन आर ए। अब ये पी बी लेंथ कितनी है? कल हमने बात किया था, दिस लेंथ इज योर एक्स माइनस एक्स वन। इसीलिए मेरे बच्चों रोज पढ़ना। और व्हाट अबाउट आर ए? आर ए अगर मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, आर ए ये लेंथ आएगी एक्स टू माइनस एक्स, आर ए इज योर एक्स टू माइनस एक्स। अब अगर मैं इस चीज को वर्कआउट करूं तो दिस इज योर एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स। अब ये चीज जो मुझे दी गई है, दैट इज एम बाई एन इज नाउ योर एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपके पास एम एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एक्स वन आ जाएगा, और यहां से आप ये कह सकते हैं एम एक्स टू माइनस एम एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। अब आप इस चीज को लिख सकते हैं यहां पर, इसको इधर ट्रांसफर करें, इसको इधर ट्रांसफर करें, योर एक्स इज नथिंग बट एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। इज इट क्लियर? सिमिलरली यू कैन प्रूव, और मैं चाहूंगा कि आप प्रूफ करें, सिमिलरली दिस रिजल्ट कैन बी डिराइव्ड बाय टेकिंग अदर रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। ये आप खुद करेंगे और मुझसे पूछेंगे, ठीक है? इसलिए अब आप हम सब पर बात करें प्लीज। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में हम क्या कहते हैं, दिस इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू इन द रेशियो एम इज टू वन एक्सटर्नली इज। अगर मेरे पास मेरे बच्चों जो पॉइंट है यह है पी एक्स वन कॉमा वाई वन और यह है पॉइंट क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ये इस तरफ चले गए और यहां पे पॉइंट आर मैं लूंगा। अब अगेन जो चीज मेरे पास है, आर के कोऑर्डिनेट में एक्स कॉमा वाई ले लू तो इस आर के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ जाएंगे एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन कॉमा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। ये कोऑर्डिनेट मेरे पास आ जाएंगे। यहां पर भी क्या है, मेरे पास रेशो है पी आर अपॉन क्यू आर इज एम बाई एन, पी आर अपॉन क्यू आर इज एम बाई एन। अब हम और आप बातचीत करते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये आप कैसे निकालेंगे, मैं फिगर आपके लिए ज्वाइन कर रहा हूं, बना रहा हूं, बट डिराइव आप करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि यहां पे एन के सामने आपने माइनस कैसे आया। प्लीज
फिगर मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान रखना मेरे बच्चों, यह है पॉइंट P x1 कॉमा y1 और यह है पॉइंट Q x2 कॉमा y2। और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे और आप इसे आगे एक्सटेंड कर रहे होंगे, प्लीज ये पॉइंट R लेंगे आप x कॉमा y, फिर आप अपने ट्रायंगल को बनाएंगे। ये ट्रायंगल आप बना देंगे, फिर जब आप रेशोज को लिखेंगे, लेट इट बी एम, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, हाँ क्या होगा ए का कोऑर्डिनेट? दिस इज एक्स कॉमा वाई टू। एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कॉमा वाई वन। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स टू कॉमा वाई वन। अब जब आप वापस से एक सिमिलर ट्रायंगल पे वर्कआउट करेंगे, लेट इट बी दिस इज ऑन दिस साइड, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, अप्लाई योर कोऑर्डिनेट, योर ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल आर क्यू ए आर सिमिलर। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, इन दैट केस अब आप अप्लाई कर दें, बट बिल्कुल रेशो ऑफ साइड्स पी क्यू मुझे चाहिए पी आर के टर्म्स में। ध्यान रखिए, अब आप इसको अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करेंगे मेरे बच्चों? आप पी क्यू बी लेने की बजाय चाहे तो यहां पर डायरेक्टली, क्योंकि मुझे दिया गया है पी आर अपॉन क्यू आर, दिस इज योर एम बाई एन। तो मैं, देखो ध्यान देना, अगर मैंने ये लिया तो मुझे पी क्यू की लेंथ निकालनी पड़ेगी। मैं ले सकता हूं, मैं पी क्यू की लेंथ निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, बट अगर मैं इसके स्थान पे ये लिख दूं कि ट्रायंगल पी आर एम एंड ट्रायंगल आर क्यू ए आर सिमिलर, देन वी विल गो फॉर द साइड्स, रेशो ऑफ द साइड्स पी आर अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन QA। हाँ, आपको खुद निकालना चाहिए मेरे बच्चों, ये क्या लेंथ है मेरे पास? दिस इज योर x2 माइनस x1। एंड व्हाट अबाउट दिस लेंथ? दिस इज योर x माइनस x1। व्हाट अबाउट दिस लेंथ? दिस इज योर x माइनस x2। अब आप सोचे, पी आर अपॉन आर क्यू आपको दे रखा है एम बाई एन, व्हाट अबाउट द, वन मिनट, क्यू ए, पी आर अपॉन पी एम विल बी देयर, पी आर अपॉन पी एम एंड क्यू आर अपॉन क्यू ए। इन दैट केस एम बाई एन, पी एम इज योर एक्स माइनस x1 एंड क्यू ए इज योर एक्स माइनस x2। अब आप जा सकते हैं, दैट इज एम एक्स माइनस x2 इज इक्वल्स टू एन एक्स माइनस x1। अब आप यहां से देख सकते हैं, दैट इज एम एक्स माइनस एम एक्स टू इज इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। यहां से मैं एन को इधर दे दूं और एम को इधर भेज दूं, तो एम माइनस एन एक्स
is equals to mx2 minus nx1. So your x is mx2 minus nx1 upon m minus n. ध्यान देना मेरे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो वो पूछ ले. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क टू मी. मैंने आपके दोनों प्रूफ दे दिए हैं, अब हम और आप इससे आगे बढ़ेंगे. देखें, हर प्रूफ हमें करना है. मैंने बार बार एक ही चीज बताया, अदरवाइज हम इस पे लेंगे तो हम अपने आप को वर्कआउट नहीं करेंगे. हमने क्या किस पे काम किया? इस पर काम किया और यहां से हम इस जगह पर आ गए. ठीक है, विशाल का कहना है सर एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल रहेगा. बेटा ये हमारे कुछ कन्वेंशन हैं. बिल्कुल, हमारे कुछ कन्वेंशन हैं कि एक्स एक्सिस हम इन जनरली हॉरिजॉन्टल लेते हैं. हॉरिजॉन्टल को ही हमने एक्स एक्सिस माना है और वर्टिकल को हमने वाई एक्सिस माना है. भाई देखो, कई चीजें होती है जो कन्वेंशनली ली जाती है. भाई सड़क को हम सड़क कहते हैं और रोड को हमने सड़क कहा है. ठीक है, तो ये कई चीजें हमारे कन्वेंशन हैं जिसे हमें वर्कआउट करना होता है. ठीक है, उस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता है. सोनू का कहना है कि सर क्या क्यू ए एंड बी एम इक्वल होगा? बिल्कुल सोनू, जब हमने यहां से 90 डिग्री ड्रॉप किया है, जब हमने यहां से 90 डिग्री ड्रॉप किया है सोनू, तो ये चीज परपेंडिकुलर आएगी, ये परपेंडिकुलर आएगी, तो ये आपका एक तरीके से रेक्टेंगल बन गया. तो QA और BM इक्वल होंगे, डेफिनेटली इक्वल होंगे. ठीक है, अब हम इसमें आगे मूव करते हैं. प्लीज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R which divides the line joining two points this in the ratio 2:3 internally. Formula based question है मेरे बच्चों, ध्यान रखना. अभी ये chapter की शुरुआत है, हम हर तरीके के questions को करके चलेंगे. Zero level से extreme top level तक हम जाएंगे, क्योंकि कब कहां किसका application advance पूछेगा nobody knows. हाँ, पढ़ाए हुए में से आएगा, ये क्लियर है. तो दिस इज योर पी 2.3 एंड दिस इज योर क्यू -1.7. मैं 2:3 में एक पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट चाहता हूं, विच इज द एक्स कॉमा वाई. दिस इज योर एक्स वन, दिस इज योर वाई वन, दिस इज योर एक्स टू, दिस इज योर वाई टू. You can put the values. R is your, this is your m, this is your n. R की value है mx2 plus nx1 upon m plus n, comma my2 plus ny1 upon m plus n. जैसे ही हम इसमें value put करेंगे, we will get our answer. रखो और खुद बताओ. 2 × -1 plus 3 × 2 upon 2 + 3. यहां आ जाएगा आपका 2 × 7 plus 3 × 3 upon 2 + 3. बिल्कुल, अब आप लोगों ने कैलकुलेट करके आप लोग आंसर डाल रहे हैं. हम देखते हैं कि क्या आंसर सही है. बिल्कुल कैलकुलेशन कीजिए, मुझे आंसर भेजिए. दिस विल बी योर 4/5 एंड दिस विल बी योर, हाँ सुधीर जी आपका आंसर सही है, निरंजन जी आपका आंसर गलत है. थोड़ा सा कैलकुलेशन आप ढंग से कीजिए. दिस इज 23/5
बिल्कुल सही है सुधीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। विशाल बेटा एक्स कोऑर्डिनेट आपने सही निकाला है, दैट इज 4/5, बट वाई कोऑर्डिनेट में थोड़ी सी जल्दीबाजी कर गए। हाँ रॉली आपने बिल्कुल सही लिखा, दैट इज 23/5। ओके दिस इज योर अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंटरनल डिवीजन। आदित्य बिल्कुल सही कहा आपने, रामनक का भी आंसर सही है। अब मेरे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे इस सेक्शन फॉर्मूले पे, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे, तब आप जान पाएंगे कि कैसे कैसे वर्कआउट हो रहा है। देखो हर एलिमेंट्री क्वेश्चन में भी, अब मैं यहां पर आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि जिन बच्चों के आंसर गलत हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें आता नहीं है, प्लीज, जिन बच्चों के आंसर गलत हुए हैं मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है कि उन्हें आता नहीं है, उन्हें आता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्या है, जल्दीबाजी है। तो जल्दीबाजी मत करें। यहां पे मैं एक डायलॉग देना चाहूंगा, मैं इन जनरली बच्चों से गप्पे मारता रहता हूं, दैट इज सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कैलकुलेशन एरर हमें नहीं करना है, कोशिश यही करनी है। क्यों? क्योंकि देखो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट ये कहा जाता है, बेसिकली प्रैक्टिस कंफर्म्स दैट थिंग फॉर विच यू आर प्रैक्टिसिंग। अगर हमारी गलत कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो गई तो विश्वास मानो ये पूरा का पूरा गलत की ही आदत पड़ जाएगी। इसलिए आप कैलकुलेशन को सही करें, इसके दो एडवांटेज होंगे कि सिंपल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, तो आपको लगेगा कि आपको चीजें आती है, ठीक है, यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। अदरवाइज नेगेटिव होने पे कॉन्फिडेंस लूज करते हैं बच्चे, और हमें क्या करना है, कॉन्फिडेंस बना के चलना है। हाँ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए 0.0 एंड बी 9.12। प्लीज दिस इज द पॉइंट ए 0.0 एंड द पॉइंट बी 9.12। अब आप ट्राइसेक्शन का मतलब समझे, ट्राइसेक्ट का मतलब है तीन पार्ट में डिवाइड करना। तो ये पॉइंट एक मेरा पी आएगा जो इसको 1:2 में डिवाइड करेगा, और एक पॉइंट क्यू आएगा जो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। पी जो है वो 1:2 में डिवाइड करेगा और क्यू जो है वो 1:2 में डिवाइड करेगा। आप अब मुझे करके आंसर बताएं, प्लीज फाइंड द आंसर, प्लीज फाइंड द आंसर। मैं आपको आंसर आंसर लिख के बताएं आप सभी लोग मुझे। मैंने आपको रेशो दे दिया है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करें। मैं आपको करस्पॉन्डिंगली आंसर दे देता हूं, यस नेहा 3.4 इज द आंसर, बिल्कुल सही है, पी का आपने बिल्कुल सही बताया, दिस इज 3.4। क्यू इज योर 6.8, निरंजन पी 3.8 नहीं है मेरे बच्चे, आपने कुछ गलत कर दिया है। प्लीज प्लीज विशाल का क्वेश्चन है कि ये कैसे पता चला कि 1:2 में डिवाइड करेगा। बेटा तीन पार्ट में डिवाइड करना है, अब आप खुद सोचें कि आप किसी चीज को तीन पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, ट्राइसेक्ट जिसे आप कहते हैं उसे आपको क्या समझते हैं, एक टोटल का 1/3 होगा, दूसरा टोटल का 2/3 होगा, तीन पार्ट्स में डिवाइड करना। सुधीर ने आंसर सही भेजा है क्यू का, क्यू इज
6.8. Q will be 6.8. Thank you for each and everyone. Thank you. Ramnak, बिल्कुल सही आंसर है आपका. अब मेरे बच्चों हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि coordinate of the point R which divides the line segment oblique line in the ratio lambda is to 1 joining the points px1, y1 and qx2, y2. This is your R is lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1 lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1. हम बात करते हैं कैसे आया. ध्यान दीजिए, आपने कहा देखिए हमने ये पॉइंट लिया P, इंटरनल डिवीजन से चलते हैं, हमने ये पॉइंट लिया Q. अब अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मेरे पास आता है x1, y1 और ये है x2, y2. जब आप इसको लैम्डा इज टू 1 कह रहे हैं R के लिए तो पहले मैंने क्या लिया था m is to n. Means आप बेसिकली इसको चेंज कर रहे हैं m by n is to 1 और आपने m by n को लैम्डा कहा है. तो इंटरनल डिवीजन का आप फॉर्मूला याद करें, दैट वॉज एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन. सिमिलर द केस एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन. अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एन को कॉमन निकाल लें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से आप एन को कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा एन एम बाई एन एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन एन बाहर एम बाई एन प्लस वन कॉमा एन इधर एम बाई एन वाई टू प्लस वाई वन अपॉन एन एम बाई एन प्लस वन. ये एन कैंसिल हो गया मेरे बच्चों. और आपसे मैंने क्या कहा, इसी को तो आप लैम्डा कहने जा रहे हैं. बिल्कुल सही बात है, आपने इस चीज को लैम्डा कह दिया. अब आप देख लें कि आपका फॉर्मूला क्या आ गया. दिस इज योर लैम्डा मेरे बच्चों. जब आप यहां से फॉर्मूला लिखने गए, योर आर विल बी lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1 lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1. ये है मेरा इंटरनल डिवीजन से आया हुआ फॉर्मूला. बट ऑब्वियस है, यहां क्लियर करना चाहूंगा, m by n रेशो है. ये हमेशा रेशो ऑफ डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं. m by n इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस, इट विल टेकन एज पॉजिटिव. अगर आपने लैम्डा को एम बाई एन कहा है तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर इंटरनल डिवीजन. लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो फॉर इंटरनल डिवीजन. इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके नहीं, आप सब लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी. पीडीएफ हमने अपने उस पर अपलोड कर ली है. प्लीज अब हम बात करें यहां पर एक्सटर्नल डिवीजन से. आपके एक्सटर्नल डिवीजन में क्या चीजें आई थी, ध्यान दीजिए. फ्रॉम एक्सटर्नल डिवीजन आपका आर आया था एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन कॉमा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन. यहां से मैं माइनस एन कॉमन ले लूं
तो आर मेरा हो जाएगा माइनस एन कॉमन लेने के साथ माइनस एम बाई एन एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन माइनस एन, इट इज एम बाई एन प्लस वन नेगेटिव के साथ। सिमिलर विल बी द केस देखो मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि फॉर्मूला क्या है, बट उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट कैसे आया वो ये नहीं समझ पाते। अब आप देखें, लैम्डा इज माइनस एम बाई एन मीन्स लेस देन जीरो फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख दी है। यह है हमारा नोट, दैट इज लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो देन देयर इज एन इंटरनल डिवीजन। मैंने आपको इसका भी प्रूफ दिया कि कैसे आया है। लैम्डा इज योर एक्सटर्नल डिवीजन व्हेन लैम्डा इज लेस देन जीरो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सिंस लैम्डा इज नॉट फिक्स्ड, अब इस पॉइंट आर की ब्यूटी समझो। मैं आपको इस पॉइंट आर की ब्यूटी समझाना चाह रहा हूं। देखो समझना, जब आप पी और क्यू के बारे में बात करते हैं तो मैं पूरी लाइन पे जाऊं प्लीज, तो ये पॉइंट आर लैम्डा के किसी वैल्यू के लिए यहां है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, कभी लैम्डा चेंज हो जाएगा तो यहां हो जाएगा, कभी यहां हो जाएगा, मतलब लैम्डा के चेंज होने के साथ इस आर की पोजीशन बदल रही है। लैम्डा के चेंज होने के साथ आर की पोजीशन बदल रही है मेरे बच्चों, इसीलिए हम कहते हैं सिंस लैम्डा इज नॉट फिक्स्ड। ध्यान देना, सिंस लैम्डा इज नॉट फिक्स्ड दैट्स व्हाई पॉइंट आर इज नॉट फिक्स्ड। अगर लैम्डा आपने कोई फिक्स रेशियो दे दिया तो वो आर फिक्स कर देगा, बट जब तक आप लैम्डा के टर्म्स में बात कर रहे हैं, यहां पे ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कोऑर्डिनेट के, जब आपका लैम्डा फिक्स नहीं है तो आपका आर फिक्स नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई दिस आर इज अ वेरिएबल पॉइंट, बट व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस आर, इट ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट पी एंड क्यू, पॉजिटिव है तो इन बिटवीन पी एंड क्यू और नेगेटिव है तो आउटसाइड द पी एंड क्यू। अब मैं आपसे कई चीजें डिस्कस करना चाहता हूं, प्लीज लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, सारी चीजों पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। इफ मैं आपको पॉइंट की पोजीशन दे रहा हूं, ये P है ये Q है, अब मैं कहता हूं कि जो P एंड Q को जो पॉइंट R है, पॉइंट R डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q इन द रेशो लैम्डा इज टू वन, इन द रेशो लैम्डा इज टू वन। नाउ आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू, इफ फर्स्ट पॉइंट इफ लैम्डा इज टू बाई थ्री, पॉइंट कहां होगा, वेयर इज द पॉइंट आर विल बी सिचुएटेड। इफ लैम्डा इज 2 by 3,
Where will be the point R is situated? R कहां पे सिचुएटेड होगा मेरे बच्चों? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। योर R विल बी सिचुएटेड। स्नेहा आपने बोला है बिटवीन P एंड Q, सोनू ने कहा है बिटवीन P एंड Q, रामनक ने कहा है बिटवीन P एंड Q, आप लोग सबने सही कहा है। इंटरनल डिवीजन मिस्टर सुधीर, बट ये पॉइंट किसके क्लोजर होगा मुझे ये जानना है। ये पॉइंट किसके क्लोज में आएगा, पी के क्लोज में कि क्यू के क्लोज में? अंकित ने भी बिल्कुल सही कहा है, अर्जुन ने भी सही कहा है, रश्मि बेटा आपने भी सही कहा है, दिस इज इंटरनल डिवीजन, बट किसके पास में, पी के पास में कि क्यू के पास में? यस, दिस इज नियर टू पी, near to P and in between P and Q, internal division है, बिल्कुल सही कहा आपने, internal division। अब मैं आपसे next question कह रहा हूं, lambda is minus 2/3, अब ये किस तरफ जाएगा, क्यू के राइट में, पी के लेफ्ट में? एक्सटर्नल है ये तो ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन, जैसे ही लैम्डा नेगेटिव मतलब एक्सटर्नल डिवीजन, एग्री एग्री, बट किसके लेफ्ट या किसके राइट, पी के लेफ्ट की क्यू के राइट? एक्सटर्नल डिवीजन मतलब या तो इधर होगा या इधर होगा, किस तरफ होगा, पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट ऑफ द पी और राइट ऑफ द क्यू, मतलब आर वन पोजीशन पे आओगे कि आर टू पोजीशन पे आओगे? एक्सटर्नल एंड राइट फ्रॉम क्यू, ये मुझे सोनू ने लिखा है, आउटसाइड द की स्नेहा ने बुलाया, लेफ्ट ऑफ पी रामनक, पी के लेफ्ट में सुधीर का कहना है आर टू की पोजीशन है, अंकित का कहना है आर वन की पोजीशन है। बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स, आप में से जिन्होंने सोचा है आर वन की पोजीशन है, दैट इज पोजीशन ऑफ आर वन। व्हाई? बिकॉज लैम्डा है क्या चीज, उसी से तो शुरू कर रहा हूं, पी आर अपॉन क्यू आर है, ये एक्सटर्नल है, पी आर अपॉन क्यू आर। तो ये जब आपने टू कह दिया और ये थ्री कह दिया, मतलब पी से डिस्टेंस कम है आर की, तो अगर वो पी के लेफ्ट में होगा, जो मैंने फिगर बनाया है, अगर वो पी के लेफ्ट में होगा तभी तो P से R की डिस्टेंस कम होगी एज कंपैरिजन टू क्यू। अब मेरा फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं कई बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहां करता हूं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बट यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दीज क्वेश्चन। देखो आपने R के कोऑर्डिनेट कर दिए थे मुझे, जो कि लैम्डा में डिसाइड होता है, डिवाइड करता है लैम्डा इज टू वन में। अब मैं बात करता हूं इस आर के जो कोऑर्डिनेट आपने दिए मुझे, दैट इज अगर ये पी एक्स वन कॉमा वाई वन है, क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू है, यहां से हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आर जो है आपका लैम्डा इज टू वन में डिवाइड कर रहा है, तो लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन लैम्डा प्लस वन, और लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन लैम्डा प्लस वन, ये हो गया आपके आर के कोऑर्डिनेट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हेन लैम्डा इज जीरो, व्हेन लैम्डा
is 0, point R will be 0. अगर आपका लैम्डा 0 है तो पॉइंट R क्या होगा? रख के देखो ना, इस इक्वेशन 1 में रख के देखो, जब आप यहां पे बात करेंगे तो R की पोजीशन आ जाएगी x1, y1 means on the point P. Means on the point P. बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, मजा आ गया मुझे, सबने जो आंसर दिया बहुत सही दिया. अब मैं कहना चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, when lambda is moving towards infinity or equals to infinity, वैसे equals to infinity कहना गलत होता है क्योंकि कभी भी आप infinity को attain नहीं कर सकते हो, इसीलिए हमें basically moving towards infinity आप समझे. अगर lambda plus infinity की तरफ move कर रहा है तो अब ये बताओ R किस तरफ move करेगा? R will move towards which point? बिल्कुल रश्मि, आपने सही जवाब दिया है. अगर R infinity, अगर lambda infinity की तरफ जा रहा है then R will move towards Q. बात आती है क्यों? अब खुद देखें, इस R में से आप लैम्डा को कॉमन निकाल दें, यहां पे आप लैम्डा को कॉमन निकाल दें, ये लैम्डा कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट. अब आप यहां पर लैम्डा को इंफिनिटी रख दें, देन यू विल फाइंड आर इज योर x2, y. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे बच्चों, जो हमें सीखना चाहिए और समझना चाहिए. ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे R से रिलेटेड, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताया है. बिल्कुल सोनू आपने सही कहा, क्योंकि नियर. अब हम बात करते हैं एक अगले फंडामेंटल पे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन LX, Y विच इज योर AX + BY + C = 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑब्लिक लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट AX1, Y1 एंड BX2, Y2. माई डियर स्टूडेंट्स, यह है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी, दिस इज योर X1, Y1 एंड दिस इज योर X2, Y2. अब मैं कहता हूं लेट R इज अ पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन ऑब्लिक लाइन सेगमेंट लाइन ऑब्लिक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1. आर के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ जाएंगे लैम्डा x2 + x1 / λ+1, λ y2 + y1 / λ+1. माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक बहुत बढ़िया लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं. देखो
डायरेक्टली मुझे एल की पोजीशन, लाइन की पोजीशन गिवन नहीं है, हो सकता है वो इसको इंटरनली डिवाइड करे, हो सकता है वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करे, मतलब वो जो पॉइंट है, वो जो लाइन है, वो कहीं भी हो सकती है। वो जो लाइन है वो कहीं भी हो सकती है। अब मैं ये कहूंगा फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर अ व्हाट आई एम यूजिंग द वर्ड, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस पॉइंट आर विल बी ऑन द लाइन, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस पॉइंट आर विल बी ऑन द लाइन ऑब्लिक कर्व। जो भी कर्व मुझे दिया जाएगा, लाइन दी गई है लाइन पे होगा, कोई और कर्व दिया जाएगा तो किसी और कर्व पे होगा। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस पॉइंट आर विल बी ऑन द लाइन ऑफ द कर्व, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो अब आप सेटिस्फाई करवा दें, ए लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन लैम्डा प्लस वन प्लस बी लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन लैम्डा प्लस वन प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। जब आप यहां से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यू विल गेट लैम्डा कॉमन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी प्लस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। यू विल गेट लैम्डा इज अ माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। अब मेरे बच्चों ध्यान देना आप इस जगह पर, ये बेसिकली हमने क्या लिखा है आपको दिख रहा है? इसी इक्वेशन में तो आपने x1 रख दिया तो न्यूमरेटर ले आए, और इसी इक्वेशन में x2 रख दिया तो डिनोमिनेटर ले आए। तो लाइन के केस में हम ये रिजल्ट याद रख सकते हैं दैट लैम्डा इज माइनस एल एक्स वन कॉमा वाई वन अपॉन एल एक्स टू कॉमा वाई टू। माई डियर स्टूडेंट्स, इतना याद रखना कि दिस रिजल्ट इज ओनली फॉर द लाइन। सुधीर, आप बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, 3D में भी इसी तरीके का फॉर्मूला आएगा, 12th क्लास 3D में भी इसी तरीके का फॉर्मूला हमारे सामने आता है। सो व्हाट अबाउट द लैम्डा? दिस इज माइनस एल एक्स वन कॉमा वाई वन अपॉन एल एक्स टू कॉमा वाई टू। अब अगर मैं इसको इक्वेशन वन कह दूं तो आप ध्यान दीजिएगा, फॉर इंटरनल डिवीजन लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन जीरो। मैंने नोट में लिखा है फॉर इंटरनल डिवीजन लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन जीरो, लैम्डा को जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब ये सोचो लैम्डा जीरो से बड़ा कब होगा, खुद सोचो। फॉर लैम्डा ग्रेटर देन जीरो एल एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एल एक्स टू कॉमा वाई टू आर ऑफ अपोजिट साइन, और लैम्डा ग्रेटर देन जीरो किसका सिंबल है? इंटरनल डिवीजन का। लैम्डा ग्रेटर देन जीरो सिंबल है इंटरनल डिवीजन का। तो अगर आप ए और बी पॉइंट ले रहे हैं तो इंटरनल डिवीजन के लिए
अब ये सोचो अगर केस इंटरनल डिवीजन में है तो लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है, और अगर ये इंटरनल डिवीजन का केस है तो ये पॉइंट कैपिटल ए और कैपिटल बी ये इस लाइन के अपोजिट साइड में है। मींस इफ एल एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एल एक्स टू कॉमा वाई टू आर ऑफ अपोजिट साइन, दिस इज द केस ऑफ इंटरनल डिवीजन। और यहां पर फिर हमारे पास इंटरनल डिवीजन का मतलब है कि पॉइंट ए और बी अपोजिट साइड ऑफ द लाइन है। अगर मैं एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करूं मेरे बच्चों, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन लैम्डा शुड बी लेस देन जीरो। अब सोचो इक्वेशन वन में लैम्डा लेस देन जीरो कब आएगा, जब एल एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एल एक्स टू कॉमा वाई टू दोनों सेम साइन के हो, इधर प्लस और इधर माइनस, तब आपका एक्सटर्नल डिवीजन का केस बनेगा लैम्डा लेस देन जीरो। इसका मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब अगर ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है तो आप सोचे अगर ये L1 की पोजीशन लेगा तो L1 के दोनों लेफ्ट में है, और अगर ये L2 की पोजीशन लेता है तो ये राइट में है। मतलब इन दिस केस LX1, Y1 एंड LX2, Y2 आर ऑफ सेम साइन, मींस एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में दोनों ही पॉइंट लाइन के सेम साइड में होंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज की चीजों को हम यहां पर रोकेंगे क्योंकि समय इतना ही अभी हमें साथ दे रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और आप सबको पीडीएफ भी मिलेगा, आप सबको पीडीएफ भी मिलेगा। कई बच्चे मेरे फोन नंबर की डिमांड कर रहे हैं, आप फोन नंबर लिख सकते हैं 94142। माय फोन नंबर इज 94142 72247। माय फोन नंबर इज 94142 72247। मैं इसमें भी लिख देता हूं 94142 72247। अब एक चीज आप सभी लोग ध्यान रखना, जिस तरीके से बहुत सारी बातों से हमने शुरुआत की थी हम एंड भी कुछ उसी अंदाज में करते हैं। मेरे बच्चों ध्यान रखना, मैंने तेंदुलकर और द्रोणाचार्य और आचरेकर अर्जुन इन सबका एग्जाम्पल लिया। एक कैंडिडेट ने एकलव्य की बात की तो बेटा एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य से ही शिक्षा ली, उन्हें देख के सीखा। आप भी मुझे देख के सीख रहे हो, लेकिन मैं वो द्रोणाचार्य नहीं हूं जो अंगूठा मांग लेगा। एक चीज आप सभी लोग ध्यान रखना, आपकी ऑनेस्ट वर्किंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम और आप मिलकर के एक हिस्ट्री क्रिएट करने की तरफ है और उसका सहारा है ये ऑनलाइन कैरियर पॉइंट। आपके लिए ये सारी फैसिलिटी आपके घर पे लेके आया है। आप अपने आप से, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, तेंदुलकर की बातें मैं फिर किसी दिन जब मोटिवेशनल दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। उस बंदे ने क्रिकेट के पिच की पूजा की है तब जाकर के वो उस मकाम तक पहुंचा है। एक तपस्या की गई है बेटा, जो भी आदमी सक्सेसफुल हुए हैं, नॉर्मल आदमी नॉर्मल काम करते हैं, एबनॉर्मल आदमी एंड सक्सेसफुल आदमी बहुत ही जबरदस्त सक्सेसफुल काम करते हैं। गॉड ब्लेस यू, आप सभी को शुभ रात्रि, ढेरों शुभकामनाएं, और कल हम फिर मिलेंगे इसी जगह पे। थैंक यू वेरी मच।